दोस्तों नमस्कार मैं हूं दीपक हिमांसु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला दोस्तों दिल्ली में एक सीधी शिक्षक भर्ती आई है गेस्ट टीचर वैकेंसी आई है जो कि एक अच्छी वैकेंसीज है और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं देखते हैं कौन अप्लाई कर सकते हैं क्या है इसके अंतर्गत अच्छा मौका है आप सभी लोगों के लिए तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं आखिर ये है क्या तो ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत है इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच के अंतर्गत तो नोटिस में ये देखिए सत्ताईस सितंबर को ये नोटिस रिलीज की गई है

कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ही होता है जब तक ये पोस्ट फिल नहीं हो जाता है तो गेस्ट टीचर नॉट बी टू द रेगुलर अपॉइंटमेंट तो इसका मतलब ये नहीं क्या कि भविष्य में रेगुलर हो जाएगा ऐसा नहीं है है ना दिस इज प्योरली अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट मतलब जो बीच में गैप है उसको फिल करने के लिए ये किया गया है द कैंडिडेट सो एंगेज नॉट क्लेम सैलरी अलाइंस लीव फैसिलिटीज एंड अदर बेनिफिट मतलब बाकी सारे बेनिफिट के लिए आप क्लेम इसके लिए नहीं कर सकते द कैंडिडेट सो एंगेज एट गेस्ट टीचर शैल नॉट फाइल जो है जो डीओ है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है वो अपना वेट लिस्ट या पैनल जो है जो वेटिंग लिस्ट बोलते हैं या पैनल है वो मेनटेन करेंगे जिससे कि वो अपना उस हिसाब से वो रिक्रूटमेंट कर सके टू कैंडिडेट बिलोंग्स टू एस सी एस टी ओबीसी गवर्नमेंट रूल जो गवर्नमेंट रूल है उसके हिसाब से यहाँ पर सारे रिजर्वेशन रहेगी पैनल विल प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी तो जो एकेडमिक मेरिट है उसके बेसिस पर यहाँ पर ईच कैटेगरी के लिए यहाँ पर बनाया जाएगा ऑफ एप्लीकेट इंक्लूडिंग एस सी एस टी इत्यादि के को भी इंक्लूड करके गेस्ट टीचर शेल बी पेड एज पर रेट मेन्शन इन दिच है द्वारा जो रेट दिया गया है वही रेट आपका यहाँ पर रहेगा और उसमें आप देखिए तेईस फरवरी दो हजार सत्रह एंड तीन मार्च दो हजार सत्रह तो उस समय पर जो मैं उसी बेसिस पर आपको दिया जाएगा तो रिसोर्स सेक्टर कोटर का जो है पर डे का चौदह सौ पैंतालीस रुपया है PGT, uh, SCT का है स्पेशल एजुकेशन चौदह सौ पैंतालीस और टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का है चौदह सौ तीन रुपया हिसाब से रिक्वेस्ट स्कूल नॉट बी इंटरटेन मतलब स्कूल चेंज का आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते as as the school, the मतलब आपको जैसे ही टीचर ज्वाइन करते हैं रेगुलर टीचर तो गेस्ट टीचर जो है जो ये पर, तत्कालिक बेसिस पर है

पूरा प्रोसेस किया जाएगा ठीक है ना तो वही अपना लिस्ट वो लोग मेंटेन करेंगे और उसी हिसाब से आपको यहाँ पर वो आगे के प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे अब देखिए यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दिया हुआ है अगर आप रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर का देखते हैं तो उसमें मास्टर डिग्री हो है होना चाहिए और बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए या उसमें अलग है कि बीएड अगर आप जनरल एजुकेशन से हैं तो आपके साथ वन ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इत्यादि होना चाहिए तो मतलब स्पेशल एजुकेशन आपका होना ही होना चाहिए यह है और रजिस्ट्रेशन विद रिबिलेशन आरसीआई के द्वारा रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए और वन ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ स्पेशल और इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए रिसोर्स कोऑर्डिनेटर का है और पीजीटी जो स्पेशल एजुकेशन टीचर है इसमें है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए आपको बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन से या अगर बीएड जनरल एजुकेशन है तो वन ईयर डिप्लोमा इत्यादि के थ्रू होना चाहिए तो ये पीजीटी के लिए ठीक उसी प्रकार से अगर आप टीजीटी के लिए भी देखिएगा तो उसमें भी अच्छा पीजीटी में भी आपको आरसीआई का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर में भी आपका ग्रेजुएशन डिग्री तो होना ही चाहिए बी स्पेशल एजुकेशन है तो ठीक है नहीं तो बी जनरल एजुकेशन के साथ आपका वन ईयर स्पेशल एजुकेशन जो होना चाहिए या टू ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए मतलब कही कहीं ना कहीं स्पेशल एजुकेशन आपका इसमें शामिल होना चाहिए और उसमें सीटेड पेपर टू आपका जो है क्वालिफाइड होना चाहिए ये बोल रहा है और आरसीआई के साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और एज यहां पर देख लीजिए कि मैक्सिमम एज फॉर मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी इज है ना और रिलैक्सेशन ऑफ द एज फॉर द रिजर्वेशन कैटेगरी आपको दिया हुआ है एस सी एस टी के लिए पांच साल ओबीसी कैंडिडेट के लिए एंड ओबीसी ओबीसी कैंडिडेट रिलैक्सेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए तीन साल और डिसेबिलिटीज के लिए दस uh, साल इन द केस ऑफ जनरल अगर कोई जनरल कैंडिडेट है तो पंद्रह साल है एस सी एस टी के कैंडिडेट को अगर वो डिसेबल है और तेरह साल है ओबीसी कैंडिडेट कैंडिडेट को को अगर वो डिसेबल है तो है है एडिशन रिलैक्सेशन जो साल का दिया गया फीमेल ये आपको टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए रिजर्वेशन जो तो बता दो हजार मई चौबीस है 10 2024, ना टू दस मई दो समर वेकेशन और टिल द टाइम पोस्ट आरपील अगर पोस्ट फिल्ड पहले हो गया या दस मई दो हजार चौबीस जो भी पहले आता है तो उस डेट तक में आपको यहाँ पर सर्विस देना है सिलेक्शन कैसे होगा तो द एलिजिबल कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेंट ऑनलाइन अपलिकेशन ऑनलाइन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एंड अकॉर्डिंगली मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर तो मेरिट लिस्ट आपका बन जाएगा आपको बस अपना डॉक्यूमेंट यहां पर सबमिट करना है क्योंकि गेस्ट टीचर की वैकेंसी है वेलिंग कैंडिडेट में अप्लाई एंड रजिस्टर देमसेल्फ ऑन द ऑनलाइन मोड ऑफ द डिपार्टमेंट वेबसाइट आपको जो है यहाँ पर देख लीजिए ये लिंक दिया हुआ है edudel.nic.in यहां पर आपको rsrrs रिक्रूटमेंट गेस्ट टीचर के अंतर्गत जाके यहां पर आपको देख लीजिए 30 सितंबर से 11 बजे से आपको शुरू हो जाएगा और 15 अक्टूबर 2023 के शाम के 6 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अदर देन ऑनलाइन मोड शैल बी समरेली एलिजिबल सिर्फ ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा

80.25 ऐसा दो प्लेसेस तक देना है पास सर्टिफिकेट मतलब सब कुछ डिटेल आपको सही से भरना है तो ये दोस्तों एक अच्छी वैकेंसीज है जो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आ, है टेम्प्रोरी बेसिस के लिए लेकिन एक अच्छी वैकेंसी अगर आप दिल्ली में हैं या दिल्ली में आप रह सकते हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इससे आपको एक्सपीरियंस भी होता है आइडियाज भी होता है और आने वाली वैकेंसी जैसे ही आएगी उसमें आप अप्लाई भी कर सकते हैं है ना कहीं ना कहीं ये एक आ, कहते ना कि जब लिंक हो जाता है जुड़ाव हो जाता है तो अपॉर्चुनिटीज और बढ़ते जाती है तो दोस्तों ये एक बड़ी वैकेंसी आप कह सकते हैं एक नया मौका है और भी आगे के अपडेट के लिए हम लोग बने रहेंगे लगातार और टीचिंग वाला पर आप लोग अपनी स्टडी भी जारी रखिए ताकि आप लोग को आगे की जो जो भी आपके एग्जाम्स है उसके लिए भी आप अच्छे से तैयारी कर सके सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय نشاهد